नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं महबूब देश, पूरब पश्चिम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर प्रयागराज से है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण न दिए जाने के खिलाफ याचिका लगा दी गई है। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और 3 हफ्ते में राज्य सरकार को जवाब देना है। 17 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक के बाद एक पेच फंसते चले जा रहे और ये नया पेच है 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण का। इसको लेकर अब याचिका लगा दी गई है। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके 3 हफ्ते में जवाब मांग लिया है और 17 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। और एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रयागराज से। मोइन, क्या कुछ इस याचिका में कहा गया है? देखिए, 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है उसमें लगातार नए नए पेच सामने आते जा रहे हैं। अब एक नया विवाद पैदा हुआ है, वो है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिए जाने का मामला, जो कि इस भर्ती प्रक्रिया में इस नियम को लागू नहीं किया गया था। तो इससे पहले भी एक याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सरकार से जवाब तलब किया गया था, और एक नई अर्जी दाखिल की गई है जो विनय कुमार पांडे समेत 42 अभ्यर्थियों की तरफ से दाखिल की गई है। और उसमें ये कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जब कानून बना दिया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाए, वो तो वो प्रक्रिया इसमें नहीं अपनाई गई है, इसलिए पूरे रिजल्ट को रद्द किया जाए और नए सिरे से आरक्षण देने के बाद नए सिरे से रिजल्ट जारी किया जाए। बिल्कुल, यानी कि मैं ये मान सकते हैं कि जहां एक तरफ तैयारी हो रही थी कि ज्वाइनिंग हो जाएगी जून के आखिरी हफ्ते में, अब पेच इतने फंस गए हैं कि कब ये भर्ती प्रक्रिया उबर पाएगी अपने आप में बड़ा सवाल हो गया। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ हर तरफ गुस्सा और प्रदर्शन देखा जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप इस वक्त यूपी के 4 शहरों के प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। कहीं ट्रांसपोर्टर तो कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़क पर उतर गए हैं। तो देखिए 4 तस्वीर। वाराणसी में तो बाकायदा बैलगाड़ियों से कार को खींचा गया। कानपुर में भी प्रदर्शन हुए। मेरठ में ट्रांसपोर्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं सोनभद्र में भी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। और कानपुर व्यापार मंडल ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। व्यापार मंडल के सदस्यों ने एक मोटरसाइकिल को अर्थी की तरह फूलमाला से सजाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध के दौरान व्यापार मंडल के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तो कानपुर में व्यापार मंडल ने मोर्चा खोल दिया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए तस्वीर भी आपके सामने है। सरकार के खिलाफ तख्तियां लेकर इन लोगों ने नारेबाजी की और जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसका व्यापार मंडल के सदस्यों ने विरोध किया है। सर, आज तो सरकार ने जो हम लोगों को भ्रम में रखा हुआ है उस भ्रम की स्थिति से हम लोग उभरेंगे 2 महीने बाद। तो सारा व्यवसाय जो चलता है उधार के ऊपर। डीजल भी उधार पे है, पार्ट्स भी उधार पे है और EMI को भी सरकार ने 3 महीने की उधारी पे डाल दिया है। जब 3 महीने बाद अगस्त के बाद EMI स्टार्ट हो जाएंगी और डीजल की पेमेंट भी हमको देनी पड़ेगी आज 10 रुपये के बढ़े रेट से, क्योंकि आज का डीजल जो हम लोग ले रहे हैं उसका पेमेंट हमको देना है 1.5 महीने बाद। तब जब स्थिति आएगी जब पैसा देना पड़ेगा जेब से, उस समय जो हालात होंगे सरकार भी नहीं समझ सकती और हम लोग तो समझ चुके हैं इस चीज़ को। इसमें अच्छे अच्छे मोटर ऑपरेटर और अच्छे अच्छे ऑपरेटर फेल हो जाएंगे। उधर कांग्रेस ने बढ़ती कीमतों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। काशी में भी पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी से कार खींचकर सड़क पर निकले और विरोध जताकर कीमतों में हुए इजाफे को वापस लेने की मांग की। पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के बाद अब कांग्रेस का प्रतीकात्मक विरोध। अब देखिए बैलगाड़ी से कार को खींचा जा रहा है, ये विरोध पेट्रोल और डीजल की महंगाई को दर्शाने के लिए। आप देखिए पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, किस तरह का विरोध क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए इंटरनेशनल मार्केट में प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल का दाम कम हो रहा है। जो क्रूड ऑयल है उसका दाम सबसे ज़्यादा आज की तारीख में कम है और हिंदुस्तान में प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है।
मेरे सामने ये चार्ट है, प्रतिदिन कितना बढ़ा है वो इसमें दर्शाता है। 22 जून तक का ये रिकॉर्ड है। पहली बार हिंदुस्तान में 70 सालों में डीजल और पेट्रोल दोनों एक भाव, और इससे महंगाई बढ़ेगी। जनता कोरोना के पीरियड में अपने आप त्रस्त है महंगाई से, ये महंगाई और ज्यादा बढ़ती जाएगी, और इसका रिजल्ट ये होगा कि बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, मंदी, इंटरनेशनल सीमाओं के आक्रमण, पूरी तरह से हिंदुस्तान और आज ये अनोखा विरोध प्रदर्शन करके क्या करना चाहते हैं? हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आप इस पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करिए, कंट्रोल करिए, आप अपने सरकारी खजाने में पैसा नहीं इकट्ठा करिए, जनता को राहत दीजिए, और यदि आप जनता को राहत नहीं देंगे और इसी तरह डीजल पेट्रोल बढ़ता जाएगा तो इसका अंजाम सरकार को होगा। यानी संघर्ष अब जमीन पर होगा, और विपक्ष अब पेट्रोल और डीजल के महंगे हो रहे दामों को मुद्दा बनाकर सड़क पर उतर रहा है और आगे विरोध और भी प्रबल करने की बात कह रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर मेरठ के ट्रांसपोर्टर्स ने भी विरोध प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बढ़ते दाम की वजह से माल भाड़ा बढ़ेगा, जिससे रोजमर्रा की चीज़ों को लेकर हर सामान महंगा होगा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि माल भाड़ा वही पुराना है, ऐसे में माल भाड़ा बढ़ाना जरूरी हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स ने सवाल उठाया है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कच्चे तेल की कीमत कम हो रही है, लेकिन भारत में तेल की कीमत क्यों बढ़ रही है? और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, मोटरसाइकिल को तांगा गाड़ी पर लादकर खुद तांगा खींचते हुए पूरे शहर में पहुंचे और मूल्य वृद्धि को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द पेट्रोल में मूल्यों की वृद्धि को वापस लिया जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। आज समाजवादी पार्टी जिला सोनभद्र के कार्यकर्ता केंद्र की भाजपा सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। आज 17वां दिन है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग आज बाइक को इक्के पे लाद के स्वयं चलाते हुए केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि जो लगातार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, आम जनमानस का शोषण हो रहा है, ये महंगाई कम करें, नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बृहद आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो जमीनी स्तर पर नाराजगी सामने आने लगी है। हमारे साथ नोएडा से अविनाश जुड़ गए हैं, बलराम जुड़ गए हैं मेरठ से। अविनाश, जिस तरीके की तस्वीर बनी हुई है, अब चौतरफा विरोध शुरू हो गया है, कहीं कोई राहत के आसार हैं या फिर राजनीति भी पेट्रोल के दाम की तरह आसमान पर चढ़ती हुई नजर आएगी केवल? देखिए उदेश, अगर बात करें तो राजनीति तेज हो गई है पेट्रोल के दाम पे लेकर। तमाम सारी जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतना सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है, फिर भारत के बाजार में इतना महंगा पेट्रोल क्यों मिल रहा है? सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है। 18 दिन से पिछले अगर बात करें तो लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आज हालांकि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन डीजल के दाम जरूर बढ़े। हालांकि अगर इसके पहले बात करें तो सरकार ने एकमुश्त एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, लगभग 7 रुपये के करीब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, तो जाहिर तौर से बात है कि उसका विरोध अब कहीं ना कहीं पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। और आज अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड इसलिए बना दिया है कि डीजल के दाम दिल्ली में पेट्रोल से ज़्यादा हो गए। उसका कारण यह है कि दिल्ली सरकार डीजल पर वैट ज़्यादा ले रही है, पेट्रोल पर कम, और केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी है साथ में, इस वजह से दोनों जगह पर वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। और यही कारण है कि आज दिल्ली में डीजल के दाम ज़्यादा चले गए, पेट्रोल के दाम हालांकि आज बढ़े नहीं। वहीं अगर बात करें नोएडा की, तो नोएडा में आज दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल के दाम पे बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल 80 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर नोएडा मिल रहा है, तो वहीं डीजल की अगर बात करें तो 72 रुपये 9 पैसे मिल रहा है। जाहिर तौर से बात है कि ग्राहकों के जेब में काफ़ी ज़्यादा जो है बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार सरकार GST टैक्स कलेक्शन करने में विफल है, तमाम सारी आर्थिक गतिविधियाँ बंद हैं, जिस वजह से सरकार को राजस्व की पूर्ति करने के लिए पेट्रोल डीजल और इसके अलावा शराब में टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि और जो मनोरंजन कर लगता था या और इस तरीके के जो कर थे वो तमाम सारी गतिविधियाँ रुकी पड़ी है, इसलिए बिल्कुल गतिविधियां रुकी हैं। तो क्या मान लिया जाए कि राहत नहीं मिलेगी? और बलराम हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं। बलराम, कई शहरों में लगातार प्रदर्शन की स्थिति देखने को मिली, गुस्सा तो मेरठ में भी होगा? बिल्कुल अवधेश, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के जो ट्रांसपोर्टर हैं
उनमें भी काफ़ी नाराज़गी है। उनका कहना है कि आज स्थिति ये हो गई है कि अगर वो 1100 से 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करती है उनकी गाड़ी, तो 1200 से 1500 लीटर अगर डीजल की खपत होती है तो उसमें आज 8 से 9 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में सीधे 10 से 12 हज़ार रुपए का इजाफा होता है सिर्फ डीजल के खर्चे में। तो कहीं ना कहीं अब भाड़ा बढ़ाना उनकी मजबूरी हो गई है, और अगर भाड़ा बढ़ाया जाता है तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, दूध हो, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आता है, वो सब महंगे होंगे। कहीं सब महंगे होंगे, महंगाई की मार पड़ेगी। हमारे साथ दया शंकर सिंह जी भी बने हुए हैं, अविनाश और बलराम हमारे साथ, आप बने रहिए। दया शंकर जी, अगर हम पेट्रोल पंप एसोसिएशन की बात करें, आप लोगों का बिजनेस है, हालांकि पेट्रोल एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है कि कितना भी महंगा हो जाए लोग लेंगे ही, लेकिन क्या रास्ता आप लोगों का लगता है कि कहां पर सरकार थोड़ी सी रियायत दे दे तो ये दाम कम हो सकते हैं? कोई रास्ता है या नहीं है? सरकार के बारे में तो यही है कि हम लोग को तो जो रेट मिलता है उसी एवरेज में रेट हम लोग सेल करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन एक हमने तस्वीर देखी 16 तारीख की कि दिल्ली में जो पेट्रोल का बेस प्राइस 22 रुपए था, वो वैट, एक्साइज और डीलर का कंसेशन, तमाम चीज़ों को मिलाकर वो 76 रुपये में कंज्यूमर को मिलता है, इस दोगुने से ज़्यादा का फर्क है। कहाँ पर राहत दे दी जाए तो कुछ जनता को फायदा हो सकता है, आपका नुकसान भी ना हो, जनता को फायदा हो जाए? अब ये वैट कम करते हैं सरकार अपने स्टेट का, तो जनता को राहत दी है। जी लेकिन जो आप लोग पूरा पेट्रोल पंप एसोसिएशन जो है आपका, जनता तो परेशान है, परेशानी हो सकता है कुछ लोग साझा करते हो, कुछ लोग पेट्रोल भरवा कर चले जाते हैं, आप लोगों की तरफ से कोई बातचीत सरकार से होगी क्या? कोई ऐसा प्लान है जनता के लिए, आप लोग कोई इनिशिएटिव लें? नहीं, हम लोग भी बात करेंगे अगर इसी तरह रेट बढ़ते रहे, लेकिन हमारा तो कोई बेनिफिट होता नहीं है। हम लोगों के करीब पहले जाने में जो भी प्रॉफिट जाता है या नुकसान तक होता है, कोई हमारा नुकसान भी होता है। बिल्कुल, शुक्रिया दयाशंकर जी हमसे जुड़ने के लिए। अविनाश, सब सवाल ये है कि बार बार हवाला ये दिया जा रहा है कि महामारी का दौर चल रहा है, जो राजस्व की कमी है वो है, और विजय सोनकर जी जुड़े थे, उनका विनोद सोनकर जुड़े थे, उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दाम है उनका इम्पैक्ट 3 महीने के बाद पड़ता है, तमाम चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े विरोध के बाद क्या केंद्र सरकार कोई रियायत देने के मूड में है या नहीं? आश्वासन कई बार दिए गए। देखिए, फिलहाल अगर बात करें तो केंद्र सरकार एक ही शर्त पर रियायत दे सकती है, वो ये है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाए, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार इसके पक्ष में दिखती हुई नज़र नहीं आ रही कि वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दे। बाकी जो रोज़ाना पैसे बढ़ रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार का कहना है कि जिस प्रकार से तेल की जो कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर तय होती है, यानी रोज़ डॉलर का मूल्य कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, इसके साथ साथ कच्चे तेल की कीमत उस दिन क्या है, इसके आधार पर भारत के अंदर तेल की कीमतें तय होती है। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस प्रकार अभी एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो लगभग 32 से 33 रुपए पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी है और लगभग 31 से 32 रुपए डीजल में एक्साइज ड्यूटी है, तो ये काफी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी है। अगर आप देखिए तो जिस प्रकार से अगर बिल्कुल ये एक तस्वीर हैरान करने वाली है अविनाश, क्योंकि पेट्रोल का जितना बेस प्राइस नहीं उससे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई, और यही वजह है कि जनता की कमर टूटी जा रही। लेकिन सवाल यह है कि जनता के दर्द की फिक्र किसको है या नहीं है? शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए बलराम, आपका बहुत शुक्रिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी ने एक बार फिर से कोरोना के हालात को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट के जरिए निशाना साधते हुए सवाल किया है कि यूपी के 4 जिलों में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। सोचने वाली बात है कि अगर केस बढ़ नहीं रहे तो मृत्यु दर इतनी ज्यादा क्यों है? तो प्रियंका गांधी लगातार बीते 48 घंटों से मोर्चा खोले हुए हैं और एक बार फिर से उन्होंने मृत्यु दर को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि पहले उनका फोकस केवल आगरा पर था, लेकिन अब उनका जो फोकस है वो 4 जिलों की बात कर रही यूपी की और मृत्यु दर पर सवाल उठा रही हैं। बरेली में कोरोना का कोहराम मचा है। शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से हुई 3 मौत पर हड़कंप मच गया। शहर में करीब 70 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं और करीब आधा शहर सील हो चुका है।
बरेली में कोरोना का कहर जान पर बना है। कोविड 19 के खतरे को देखते हुए यहाँ 70 से ज्यादा हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं और करीब करीब आधा शहर ही सील हो चुका है। लेकिन एक दिन में ही यहाँ 3 मरीजों की मौत से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जिनमें आंवला की एक महिला की उम्र महज 27 साल थी। वो गर्भवती थी और उसे राजश्री मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया था। 2 महिलाओं की मृत्यु हुई है। ये एक क्रोनिक रीनल डिजीज से थी जो बहेड़ी की रहने वाली है और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में इनका इलाज चल रहा था। ये प्राइवेट लैब से कल इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये इससे पहले ही केजीएमसी में अपने आप को आशंकित मानते हुए और आशंका से पूर्व जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने अपने गुर्दे का काफी दिनों से इलाज शुरू कर दिया था, पर उससे ही पीड़ित थी। दूसरी पेशेंट जिसने 13 तारीख को एक बच्चे को जन्म दिया, इम्यूनो कम्प्रोमाइज थी, डायबिटीज थी और साथ में सीवियरली एनीमिक थी। तो इन दोनों पेशेंट्स की डेथ कोरोना से पर्टिकुलरली ना मान के हम लोग ये मानेंगे कि एसोसिएटेड मॉर्बिडिटी के साथ थी। बोथ द पेशेंट्स वर कोमॉर्बिड। इसके अलावा बहेड़ी निवासी 65 साल की मेहरुल निशा की मौत भी कोरोना से हुई। ये कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थी और केजीएमयू में कई दिनों से भर्ती थी। वहीं संजय नगर के 45 साल के ओम प्रकाश भी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ओम प्रकाश किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। मामला यहीं तक नहीं रुका। आईवीआरआई से आई सैंपल की रिपोर्ट में 7 और लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस 70 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि यहाँ कोरोना के कुल मरीज 200 से ज्यादा हो चुके हैं। हालांकि अब तक 121 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।